नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह नवी निवासी। दोस्तों इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पारसिवनी शहर में, जो पहली बार यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव होने जा रही हैं। और कल से, मतलब जो कल की जो डेट थी 7 जुलाई से यहाँ पे पालक मंत्री जो नागपुर ज़िले के, उनकी सभा भी शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, 15 तारीख को जो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, जैसे जैसे 15 तारीख करीब आ रहा है, वैसे वैसे माहौल यहाँ पे गर्म होते जा रही है। चलिए आइए जानते हैं लोगों से उन्हें क्या लगता है। इथे पार्टी सध्याच्या स्थितीत तर बीजेपी दिसून राहिले समोर, पण बीजेपी ने शिवसेना याच्यामध्ये पार्टी नवीन यायला पाहिजे, कामं चांगली झाली पाहिजे। कामं काय पूर्ण इथं कामं जे आहे पासून त्याचे कामच नाही उडले ना। अभी तो कोई निचोडी नाही आहे, अभी कोई उमेद नाही, कोणती पार्टी आहे कोणी जाणार नाही। मुझे बदल झाला, चारों भी जोश में दिख रहे। अब यंग जनरेशन के हिसाब से कोई बीजेपी कोई शिवसेना, जनता की कॉल के हिसाब से अभी शिवसेना आ गया है। आज से 20 साल पहले ये जो आदमी आज नगराध्यक्ष के लिए खड़ा है, पति 20 साल पहले 300 रुपये महीने में नौकरी करता था, मैं डेयरी के अंदर उसके भाई की डेयरी थी, कोऑपरेटिव डेयरी थी, वहाँ नौकरी करता। वो आज करोड़पति कैसा बना? आज इतना बड़ा कांग्रेस खड़ा किया, उसको कॉलेज स्कूल है, ये सारा का सारा लोगों की दिमाग है। इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। रहेगा सवाल बीजेपी का, शिवसेना का, तो लोगों ने दोनों का काम देखते थे ना। समय से 10 साल का शिवसेना वालों का दिखता था, 5 साल शिवसेना के आमदार रह चुके, उसके बाद 5 साल अभी बीजेपी के आमदार है। क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस पब्लिक के दिमाग में आ रहा है। अभी किस हिसाब से डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ के लेवल पर, ऊपर के लेवल पर, स्टेट से लेकर सेंटर से लेकर, लोगों को बहुत बुरा है बीजेपी का, इसलिए लोगों को थोड़ा कल बीजेपी की तरफ। अभी जो फिलहाल में जो जो रही इनका एक नंबर पे फिलहाल में जो धनुष बाण दिख रहे हैं, जायसवाल साहब दिख रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं रहेंगे वो पार्षद में। और अभी चुनाव, पहला चुनाव यहाँ पे लगा है नगर पंचायत का, तो उसमें क्या लगता है कि कौन आगे है, रेस में कौन है? रेस में लगेंगे शिवसेना और बीजेपी दोनों में। अगर मुख्यमंत्री सभा लेंगे फिर वो बात अलग हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री के सभा के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अभी दूसरे नंबर पर, अगर आपके हिसाब से तो बीजेपी पहले नंबर पर जा सकती है, वोट बदल सकते हैं? जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि अभी 20 साल से जो थे अभी वो फिर से आने चाहिए या फिर कुछ नया होना चाहिए? नया होना चाहिए, तो परिवर्तन होना चाहिए, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, या फिर वही इस बार चुनकर आएंगे, ऐसा क्या लगता है? नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो चेंज में जो समर्थ, कौन समर्थ है आपके हिसाब से, कौन सी पार्टी यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए? दोनों भी समर्थ है, दोनों जो पहले थे उसको चेंज करना है। अभी अब यहाँ पे पारसिवनी में जो आदमी खाने के लिए मोहताज था, उसने आज बियर बार बनाया, उसने आज कॉलेज बनाया, उसने आज कॉम्प्लेक्स चालू है, उसके नागपुर में फ्लैट है, जिंगा भाई टाकड़ी में फ्लैट है, खेती खरीदी किया है उसने। हरियाणा का जो आदमी के पास खाने के लिए मोहताज था, वो आज अब्जो का धनी बन गया। ऐसा लोगों का ऐसा मानना है कि पिछले 20 वर्षों से एक ही पार्टी यहाँ पे राज करते आ रही है, तो अभी लोगों को बदलाव चाहिए, या फिर जो 20 साल से जिस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्था चलती आ रही है वो व्यवस्था ठीक है या नहीं है, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? आखिर जनता क्या चाहती है? बीजेपी रेस में है ना सर, पहले नंबर पर कौन दिख रहा है आपको? पहले नंबर पर कैसा है कि अब ये तीनों भी जो है, ये दावेदारी अपनी जो पेश करी है तीनों ने जी, ये बहुत जबरदस्त दावेदारी है तीनों की। तो अभी क्या कंडीशन है? अभी वो जो पंजा है चौकी का, कोई आएगा ऐसा लग रहा, क्योंकि वो 4 जिम में यहाँ पे जा। क्या आपको लगता है कि इसमें बदल होना चाहिए या होगा? इसमें बदल होना चाहिए। ज्याच्या घरी तुझ्या बहीन दहा मखाना आहे का नाही पोलाठ, त्याने पोलाठ भेटले त्या बहीण माई जिकले जाय ना लाखो रुपयात, आणि आम्हाला साधा चौका भाव आले, त्या बहीण पाहते एका कुर्तीत चौकी नाही मग, जो 15 एकर आहे त्याच्यो 50 किलो दाणा येऊन गेला, तो गिलाक भाव विकून झाला घरून। तुम्हाला काय वाटते, म्हणजे बदल झाली पाहिजे? बदल झाला पाहिजे ना, तर का पाहिजे? पुऱ्या रेलेशनला बावनकुळ्यावर आहे हिंमत। अच्छा, बावनकुळे पे आपली पुरी हिंमत? बीजेपी जनता के हाथ में है भाई, लेकिन अपने हिसाब से तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी है जो सक्षम है? बता नहीं सकते, अभी तो सब आगे, भारतीय जनता पार्टी का भी दम लग सकता है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, क्या चेंज होना चाहिए, कौन सक्षम है आपके हिसाब से? बीजेपी सक्षम है आपको ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है? क्या लगेगा? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। तो
तो आपने देखा कि जिस प्रकार से जनता जो जनार्दन होती है उसके हाथ में सारा फैसला होता है कि किसे सत्ते पे बिठाना है और किसे सत्ते से उतारना है। और इस प्रकार से जो हमने चौक में जाकर के दुकानों में जाकर के लोगों से बातचीत किया और हमने देखा कि कुछ लोग घबराए भी थे, खुलकर बोलने में असमर्थ दिखे, लेकिन जितने भी लोग थे जो समर्थ दिखे और जिन्होंने बात किया उनसे हमने पब्लिक रिव्यू लिया आखिर उनका ओपिनियन क्या है। और ये 8 तारीख आज की जो 8 जुलाई है, 8 जुलाई का ये ओपिनियन है और आने वाले 15 जुलाई को यहाँ पे नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और 15 तारीख तक कई बार यहाँ के माहौल बदलेंगे, नए नए लोगों के ओपिनियंस आएंगे। और फिलहाल जो ओपिनियन हमने आपके सामने दिखा है और आने वाले फिर 2 से 3 दिन के बाद जब यहाँ पे माहौल जो है फिर से एक बार बदलता हुआ शायद नज़र आएगा और तब देखेंगे कि जिस जैसे जैसे समय नज़दीक में आ रहा है उस प्रकार से किस प्रकार लोग किसको अब उचित मान रहे हैं, किसको समर्थ समझ रहे हैं नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए और जहाँ पे जितने भी वार्ड है प्रभाग है उनमें किसको समर्थ समझ रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे जो चेहरा है वो साफ नज़र होते हुए दिखाई देगा। आने वाले 2-3 दिन के बाद हम फिर से आपको ये बताएंगे कि आखिर कौन सक्षम है और जनता जनार्दन जो है आखिर किसको सत्ते पे बिठाना चाहती है। मैं वीर सिंह नवीन।